हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा पफ की बहुत ही आसान सी रेसिपी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देख लेते हैं रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बोल ले लिया है। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज लिया है, इसे बोल में डाल देंगे। साथ में एक छोटी शिमला मिर्च है। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसके मैंने यहाँ पर सीड्स हटा दिए हैं। और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पनीर ली है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर ये नमक डाल देते हैं। नमक के साथ डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच डाल देंगे ऑरिगेनो। तो इसमें मैं आधा चम्मच ऑरिगेनो डाल रही हूँ। और उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पर मैं सभी को मिला देती हूँ। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और यहाँ पर लिए है मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस। और एक एक ब्रेड के स्लाइस हम लेके इस तरीके से इसके जो साइड्स हैं उसे हम हटा देंगे। तो सभी को ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड को इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। और ये हमारी स्टफिंग भी तैयार है। तो इस स्टफिंग में मैं मिलाने वाली हूँ मोजरेला चीज़। तो इस तरीके की जो क्यूब आती है, प्रोसेस चीज़ आती है, वो मैं एक ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने एक ग्रेट कर लिया था। उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे भी मिला देते हैं ताकि ये स्टफिंग भी अंदर से चीज़ी सी हो जाए। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस और इसके ऊपर ये अपनी स्टफिंग जो है हम डाल देंगे। यहाँ पर मैं 3 चम्मच के करीब स्टफिंग डाल रही हूँ। उसके बाद हम किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे। तो इस तरीके से स्पून से मैं यहाँ पर पानी डाल दे रही हूँ। और इस ब्रेड के किनारों पे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इस पे भी पानी लगा दिया है और बिल्कुल ऐसे करके हम इसे दबा देंगे और किनारों से ऐसे दबा के चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये एक हमारा पिज़्ज़ा पफ बन के तैयार है। और यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत ब्रेड क्रैक भी हो जाती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चिपक जाना चाहिए, स्टफिंग नहीं निकलनी चाहिए। और इसी तरीके से मैं सभी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये तीनों पिज़्ज़ा पफ बना के तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे इस तरीके से इसके साइड को थोड़ा सा क्लीन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर मैंने सभी को इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया है किनारों से, ताकि और भी क्लीन सा दिखे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सभी को एक प्लेट में रख लिया है और इसके ऊपर अब लगाएंगे चीज़। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये स्लाइस वाला चीज़ और इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लाइस वाली चीज़ लगा दी है और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मोजरेला चीज़। यहाँ पर मैंने 2 इस तरीके के प्रोसेस चीज़ के जो क्यूब होते हैं वो ग्रेट करके लिए हैं। ये चीज़ के ऊपर लगा देते हैं। कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सभी पे इस तरीके से चीज़ लगा दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे इस पे भी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो के स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में।
और गैस पर मैंने एक तवा रखा है और इसके मैंने यहाँ बटर लगा दिया थोड़ा सा तवे पर। और बटर लगाने के बाद ये जो हमने ब्रेड तैयार किया है मैं इस पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सेक रही हूँ, आप चाहें तो तीनों एक साथ भी सेक सकते हैं। और इसे कवर कर देंगे और यहाँ पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसे तवे पर रख दिया है, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ किनारों पे ताकि इसमें स्टीम बने और हमारी चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो और इसे कवर कर देंगे चीज़ के मेल्ट होने तक। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि चीज़ मेल्ट नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और किनारों पे डाल दें ताकि ब्रेड भी नहीं गलेगी और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए। और हमारा ये एक पिज़्ज़ा पफ बन के रेडी है। तो मैं दूसरे को भी ऐसे ही सेक लेती हूँ और यहाँ पर तवे को एक बार पोंछ देंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा बटर लगा देंगे। और इसमें हम दूसरा वाला पिज़्ज़ा पफ रख देंगे इस तरीके से। और जब तक ये मेल्ट नहीं होता तब तक हम इसे इस तरीके से पका लेंगे। और इसमें भी हम किनारों पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें स्टीम बने और हमारा जो चीज़ है ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और ब्रेड भी हमारी ना जले। तो मैं इसे रख दे रही हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा दूसरा पिज़्ज़ा पफ भी बन के तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम बचा हुआ बना लेंगे। आप चाहें तो एक ही तवे पे 3-4 एक साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये लिड लिया है ये काफ़ी छोटी है तो एक साथ ही इसमें 3-4 नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ। आप यहाँ पर 4 एक बार में डाल सकते हैं अगर आपके पास बड़ी लिड है तो। किनारों पे थोड़ा पानी डाल देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सभी पिज़्ज़ा पफ बन के तैयार हैं। ये देखिए बहुत ही यम्मी सा दिख रहा है, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार, अंदर से भी ये चीज़ी सी है। तो इस तरीके से ये पिज़्ज़ा पफ ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि पिज़्ज़ा पफ की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।